प्रॉपर noun इज़ द नेम ऑफ सम particular पर्सन प्लेस और थिंग प्रॉपर noun को हम उर्दू में इसे मार्फा भी कहते हैं या किसी ख़ास शख्स जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं प्रॉपर noun का जो आगाज़ है हमेशा इंग्लिश में कैपिटल लेटर से किया जाता है जिस तरह हमारे पास यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है किंग अकबर किंग जो है वो कॉमन नॉन है किंग कोई भी हो सकता है और अकबर जो है वो प्रॉपर नॉन है इसलिए इसका इनिशियल लेटर जो है वो कैपिटल है इसी तरह लाहौर सिटी लाहौर जो है वो एक पर्टिकुलर नॉन है तो इसलिए इसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल है इसी तरह हमारे पास कॉमन नॉन है कॉमन नॉन को उर्दू में हम इसम नकरा कहते हैं यह किसी भी आम शख्स जगह या चीज़ का नाम होता है ये इसलिए इसको हम कॉमन नॉन कहते हैं क्योंकि वो खसूसियत जो होती है वो आलमोस्ट सब नॉन जो है वो शेयर कर रहे होते हैं वो उनके अंदर जो है वो मुशतरकोबी की बिना पर जो है वो हम उसको कॉमन नॉन दे देते होते हैं यहाँ पे एक आ, हमारे पास एग्जांपल्स हैं किंग बादशाह कोई भी हो सकता है बादशाह मतलब किसी शख्स की आप कह सकते हो कि ये एट्रीब्यूट है तो इसी कोई भी बादशाह हो सकता है ये कॉमन नॉन कंसिडर होगा इसी तरह सिटी सिटी जो है वो बहुत सारे हैं तो अगर इसके साथ इसका कोई नाम होता तो फिर ये पर्टिकुलर बन जाता इसी तरह ट्रीज़ ट्रीज़ भी कॉमन पाए जाते हैं इसी तरह स्कूल तो कॉमन नाउन के अंदर जो है वो कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आप उनको कंसीडर कर सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कॉमन नान है कलेक्टिव नान क्या होता है कलेक्टिव नान जो है वो एक मजमुई तौर पर एक इकट्ठा नाम दे दिया जाता है कि किसी भी ग्रुप ऑफ़ पर्सनस के लिए और इकट्ठे एक मजमू तौर पर उनके लिए वो नाम बोला जाता है इस तरह स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट जो क्लास में मौजूद होते हैं तो हम उनको एक क्लास कहते हैं इसी तरह बहरी बेड़ों की जो कलेक्शन है उनके मजमू को फ्लीट कहते हैं इसी तरह सोल्जर्स की कलेक्शन को आर्मी कहते हैं लोगों का अगर एक जगह पर हजूम इकट्ठा हो जाए तो उसको क्राउड कहते हैं इसी तरह प्लेयर्स की कलेक्शन को टीम कहते हैं तो कलेक्टिव नाउन से मुराद यह है कि मजमू तौर पर एक इकट्ठा नाम दे दिया जाता है किसी भी ग्रुप को और वो उनके लिए मजमूरी तौर पर वो नाम बोला जाता है एबस्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नॉन होता है जो कंक्रीट नहीं होता एबस्ट्रैक्ट और मटेरियल नान एक दूसरे के अपोज़िट हैं कंक्रीट से मुराद ये है कि उसकी कोई फ़िज़िकल शेप नहीं होती इसका उसका कोई वज़न नहीं होता उस वो जगह नहीं घेरती यानी कि आप कह सकते हो कि इसको अगर फ़र्क करना चाहें तो आप मैटर की डेफिनेशन के अगर अपोजिट सोचें तो मैटर क्या होता है मतलब कोई भी चीज़ जिसका कोई वजन हो जिसकी कोई शेप हो जो जगह घेर सकती हो लेकिन एब्स्ट्रैक्ट उसके उल्ट हो जाता है यानी कि कंक्रीट के अपोज़िट ये किसी भी चीज़ की क्वालिटी हो सकती है एक्शन या किसी भी चीज़ का कोई स्टेट हो सकती है जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे क्वालिटी के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं गुडनेस काइंडनेस वाइटनेस डार्कनेस हार्डनेस एट्सीट्रा एक्शन लाफ्टर थेफ्ट मूवमेंट जजमेंट हार्ट ट्रट्सट्रा इसी तरह स्टेट किसी चीज की जिस तरह चाइल्ड हुड यूथ स्लेवरी स्लीप सिकनेस डेथ वगैरह तो ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन जो होता है जिस ऑब्जेक्ट से उसका ताल्लुक़ होता है उससे आप हम उसको अलीहदा से कंसिडर करते हैं उसका जो मीनिंग होता है वो अपनी जगह पे एक मुकम्मल मीनिंग दे रहा होता है लेकिन वो किसी नॉन की किसी ऑब्जेक्ट की खसूसियत भी होते हैं एट द सेम टाइम इसी तरह आर्ट्स साइंस के जो नाम हैं जिस तरह ग्रामर केमिस्ट्री ये भी एब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंदर कंसिडर होते हैं एब्सट्रैक्ट नॉन को बनाने के कुछ तरीके हैं या तो हम उनको एडजेक्टिव से बना सकते हैं जिस तरह काइंड kind से काइंडनेस, ऑनेस्ट honest से ऑनेस्टी वर्ब से बना सकते हैं ओबे से ओबीडियंस ग्रो से ग्रोथ नॉन से कॉमन नॉन से बना सकते हैं जिस तरह चाइल्ड child से चाइल्डहुड स्लेवरी से स्लेव वगैरह मटीरियल नॉन मटीरियल नॉन एक्चुअली ऐसा नॉन होता है जिसकी कोई फिजीक हो जो वज़न रखता हो जो जगह घेर सकता हो जिस तरह मैटर की डेफिनेशन है ना कि मैटर एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका वज़न हो जो जगह घेर सकती हो और उसकी कोई शक्ल हो तो इसी तरह मटेरियल नॉन भी जिसका कोई वज़न हो सकता है जिस तरह हमारे पास एग्जांपल्स हैं गोल्ड सिल्वर मिल्क एट्सट्रा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एक दूसरे के अपोज़िट हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल एक दूसरे के अपोजिट हैं काउंटेबल ऐसे नॉन जिनको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल ऐसे नॉन जिनको हम गिन नहीं सकते काउंटेबल की एग्जाम्पल्स हैं बुक पेन एप्पल बोए डॉक्टर सिस्टर्स एक्सरा इन चीज़ों को हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नॉन ऐसे नाउस ऐसे इसमें जिनको हम गिन नहीं सकते जिस तरह दूध आयल शुगर गोल्ड आनेस्टी काउंटेबल नाउस कि आप प्लूरल फॉर्म्स बना सकते हो लेकिन अनकाउंटेबल्स की जो है वो प्लूरल फॉर्म नहीं होती जैसा कि बुक्स लेकिन हम अन जब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल की तो फिर हम मिल्क milk को मिल्क्स नहीं कह सकते तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए कि काउंटेबल का प्लूरल फॉर्म बन सकता है लेकिन अनकाउंटेबल का नहीं बन सकता डाज़ आई होप के जितनी भी टाइप्स है किन के बारे में आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस लेक्चर को पसंद करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग